अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आज 7 सालों के बाद एक बार फिर ये कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर एक ब्यूटी क्वीन चुनी जाएगी जिसका नाम होगा रोज क्वीन। और जो लड़की भी ये रोज क्वीन बनेगी वो आगे जाके बहुत बड़ी मॉडल बन सकती है, खूब नाम कमा सकती है। जैसे कि ये रुहीन है और ये जैसिका। रुहीन एक रोज क्वीन रह चुकी हैं और आज आपसे एक सवाल पूछना है। 7 साल पहले किमी नाम की लड़की रोज क्वीन बनी थी, पर अचानक उसकी मौत हो गई और आप रोज क्वीन बन गई। सुना है कि किमी नाम की लड़की की आत्मा आज भी घूम रही है। ये 2007 चल रहा है, क्या आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं आप? सुना है किमी की आत्मा की वजह से 7 साल पहले रोज क्वीन का कॉन्टेस्ट नहीं हो पाया था। ऐसा कुछ भी नहीं, दीज आर ऑल रूमर्स। क्या बकवास कर रहे हैं लोग। खैर, मुझे इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। इस साल की मिस रोज क्वीन मैं ही बनूंगी। वैसे ये कंपटीशन जीतने के लिए ब्यूटी के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी चाहिए। वो कहाँ हासिल लाओगी? ओह रियली? क्या आप जानते हैं उसके आत्मा के डर की वजह से ये कॉन्टेस्ट बंद हो गया था। क्या किमी की आत्मा फिर से लौट कर आएगी? फाइनल में सिर्फ 3 दिन बाकी है, पता नहीं क्या होगा उस दिन। तुम ये काम करने के लिए तैयार हो माशिता? हाँ। एक बार फिर सोच लो। मुझे किसी भी हाल में जीतना है मैडम। सुपर मॉडल बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझे ये क्राउन जीतना है। ये क्राउन तो तुम्हें ही मिलेगा, बस ये काम कर दो। कब करना है? कल। रानी, ये रैंप है, सड़क नहीं, ओके? आंटी की तरह चलना बंद करो। प्लीज गो बैक। ओह माय गॉड, ये माइग्रेन फिर से हो गया। अगर मैं तुम लोगों की टेंशन से नहीं मरी ना, तो इस बीमारी से जरूर मर जाऊंगी। इस ड्रामा क्वीन का ड्रामा कब खत्म होगा? जैसी डार्लिंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, यू आर परफेक्टली फाइन। और प्लीज, कितना काम बचा है, फास्ट। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये कैसे कैसे लड़के तुमने सेलेक्ट की हैं, एक भी काम ढंग से नहीं करती। इसलिए तो तुम्हारी जैसी ग्रेट कोरियोग्राफर को रखा है। पता नहीं, इन्हें रैंप पर वॉक कराते कराते मैं खुद रैंप पर वॉक करना भूल जाऊंगी। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। चारों तरफ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओ जेसिका, स्टॉप इट प्लीज। अब तुम अपनी ये भविष्यवाणी बंद करो, अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू मत करना। आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग किमी किमी का हल्ला क्यों बोल रहे हैं? वो गलती से सिर्फ 2 घंटे के लिए क्वीन बनी थी, और उस बात को कितने साल बीत चुके हैं। मैं रोज क्वीन बनी थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वन सेकेंड, हेलो, व्हाट? उन्हें किसने बताया? ओके, मैं आती हूँ अभी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ, प्रेस वाले बाहर आ गए हैं, ठीक से रिहर्सल भी नहीं करने देंगे। इतनी रात को प्रेस वाले यहाँ क्यों आए? उन्हें किसी ने फोन करके इन्फॉर्म किया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। आई होप उन्हें दिया के बारे में पता ना चल जाए। कौन सी बात? यही कि दिया ड्रग्स लेती है, और दिया और माशिता में हमेशा लड़ाइयाँ होती है। लेकिन दिया माशिता है कहाँ? आधा घंटा हो गया, उन लोगों का कुछ पता नहीं। रिधिमा, दिया और माशिता कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही थी। प्रेस वाले आ गए और ये लड़कियां
फोन भी डेड है। रूहीन, याद है आज से 7 साल पहले किमी कॉन्टेस्ट से ऐसे ही गायब हो गई थी और फिर उसके बाद उसकी लाश मिली थी। भी ऐसे ही मिली थी 7 साल पहले, याद है ना तुम्हें? और उसका चेहरा भी। मेरी फोटोग्राफ इसकी लाश पर क्यों? नहीं, वो मुझे क्यों मानना चाहेगी? क्योंकि किमी की मौत के बाद तुम बनी थी रोज क्वीन, तुम्हें मिला था क्राउन। नहीं, वो क्राउन मेरा था, मैं जीती थी वो। अरे, चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। वो ये तो बाजीता है। ओह गॉड, ये तो मर गई है। लेकिन ये यहां पूल में कैसे आई? अरे वो कौन है? गार्ड्स, वो पिंक कपड़ों वाली लड़की को पकड़ो। पिंक ड्रेस? किमी ने भी पिंक ड्रेस पहनी थी जब उसकी मौत हुई थी, याद है ना रोहित? इसका मतलब किमी यही कहीं है। ये क्या किमी किमी लगा के रखा है? प्लीज शट अप। ओके, जेसिका, प्लीज सीआईडी को फोन करो। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, एक मिनट पीछे हटिए। देवयाना लड़की की लाश है, तुम देखो। सर चलो। सर ये देखिए, यहाँ सिर पर एक छोटे से कट का निशान है और बाह पर ये थोड़े से डॉट्स का निशान है। अब ये डूबने से मरी है कि नहीं बताना मुश्किल है सर। डूबने से कोई भी लड़की मर नहीं सकती। आई मीन, रोज क्वीन के सभी कॉन्टेस्टेंट्स को स्विमिंग आती है। खैर ये तो पता चल जाएगा। आप ये बताइए, दूसरी लाश कहाँ है? वहाँ वॉशरूम है। इस एक्सीडेंट से पहले यहाँ पे कोई अजीब बात हुई या ये दोनों लड़कियाँ किसी बात से परेशान थी? जी, ये लोग हमेशा आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन कल अचानक से इनमें दोस्ती हो गई। इनफैक्ट माशिता ने खुद दिया से दोस्ती की, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ये बात यही खत्म नहीं होगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। कि मैं किसी को नहीं छोड़ेगी। तुमने देखा ना अभिषेक? मैंने तो पिंक ड्रेस में बस एक लड़की को देखा, अब इसमें किमी कहां से आ गई? ये किमी है कौन? 7 साल पहले किमी रोज क्वीन बनी थी
लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा इस कॉन्टेस्ट को बिगाड़ देगी। आत्मा? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, लगता है आपकी कोई चीज खो गई है। सर, लाश के ऊपर ये फोटो रखी हुई थी। रोहिन की फोटो? मतलब खूनी के रोहिन से भी दुश्मनी है? लगता तो ऐसा ही है। विवेक, फेडरिक्स, एक काम करो, इन सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो। और अभिषेक जी, आपने सच में किसी पिंक ड्रेस वाली लड़की को देखा था या? आपको क्या लगता है? मैं छोड़ कह रहा हूँ, अपने कॉन्टेस्ट को खुद बर्बाद करूंगा। इतने सारे पैसे लगाए हैं मैंने, मजाक कर रहा हूँ क्या मैं? मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि पूजा करा लो, टाइम खराब चल रहा है, कि मैं किसी को नहीं छोड़ेगी। देखिए मैडम, ये किसी बहुत ही चालाक खूनी का काम है। ये आत्मा वात्मा की बात करके लोगों को डराइए मत। आत्मा के पास फोटो कहां से आ गई है? और आप जरा याद करके बताना वो बकल यहां पे आया कैसे। अरे भाई, आज एसीपी कहां है? बहुत सूना सूना लग रहा है। वो बैंगलोर गए, कॉन्फ्रेंस है। थैंक गॉड, रहेगा ना 3-4 दिन? जी, वेरी गुड। अगर वो यहां होता ना तो अब तक कपड़े फाड़ देता। क्यों? अरे यहां पहले से ही बहुत कंफ्यूजन है। देखो, मुझे लगता है पहले इस लड़की की मौत हुई है, इसकी ये दिया बाथरूम, और उसके ठीक 40 मिनट के बाद इस दूसरी लड़की की मौत हुई है पानी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी लड़की की मौत 1 घंटे बाद हुई है। ठीक है बाबा, मान लिया इस दूसरी लड़की की मौत 1 घंटे के बाद हुई है, ओके? मगर ये पहली वाली लड़की को मारने के बाद खूनी ने इसके मुंह में पेस्ट्री क्यों ठूसी? ये तो मालूम नहीं। और ये लड़की माशिता, इसकी लाश पानी में पड़ी थी, पानी में डूबी है ये लड़की, मगर लाश के अंदर लंग्स में पानी ही नहीं है। वही हम सोच रहे थे कि अगर ये लड़की पानी में डूब के मरी होती तो हाथ पैर चलाती, हल्ला मचाती। कैसे मचाती हल्ला, ये तो पहले ही मर चुकी थी। ये देखो, इसके शरीर में से ड्रग्स मिली हैं। इसने गलती से ड्रग्स ज्यादा ले लिया, शायद ओवरडोज से मर गई हो। दया, ओवरडोज से मरती तो बाहर ही मर जाती ना, मरते मरते पानी में थोड़ी कूदती। से लेकिन आपने वो घाव नहीं देखा, वो सर पे? शायद पहले से सिर पर मारकर बेहोश किया, फिर इंजेक्शन लगाकर मारा और पानी में फेंक दिया। ये तो बड़ा अजीब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले सिर पे मारा, फिर ड्रग से खून किया और फिर पानी में फेंक दिया। सर, वो पीला फाइबर भी तो मिला था दिया की लाश पे से। उसके बारे में तो बात ना ही करो तो अच्छा है। क्यों भाई, क्यों ना करें? और आंसू टपक पड़ेंगे यार, केस और गड़बड़ हो जाएगा। मगर बात को छुपाने से क्या फायदा? देखो, इस लड़की ने, माशिता ने पीली ड्रेस पहन रखी थी, राइट? राइट। और बाथरूम में से जो पीला फाइबर मिला है वो इसी ड्रेस में से आया। इसका मतलब ये लड़की इस दिया की मौत के वक्त बाथरूम में मौजूद थी। तो हो सकता है इस दिया का खून इसने, माशिता ने ही किया, और बाद में इसका खून कर दिया किसी ने। सर, 7 साल पहले एक कॉन्टेस्ट हुआ था सुपर मॉडल ढूंढने का, उसमें किमी नाम की एक लड़की जीती थी, और जिस रात वो रोज क्वीन बनी थी उसी रात उसका खून हो गया। अरे, इसके मुंह में भी? यस सर, किमी के मुंह पर भी बिल्कुल वैसी ही पेस्ट्री लगी हुई थी जैसे दिया के लाश के मुंह पर। मगर सर, किमी का खूनी पकड़ा गया और उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। किमी की मौत के बाद क्राउन किसको मिला? रूहीन को सर, वो फर्स्ट रनर अप थी। सर, उसके बाद अजीब अजीब एक्सीडेंट्स होने लगे सर, तेज अचानक टूट गया और 2 लड़के दब के मर गए। एक लड़की मरते मरते बच गई सर, लोग कहने लगे कि किमी की आत्मा आ गई है सर। फिर स्पॉन्सर्स भाग गए और उसके बाद रोज क्वीन बंद हो गया सर। और जब ये कॉन्टेस्ट फिर से शुरू हुआ तो रूहीन की जान खतरे में आ गई। यस सर, और ये मिस्टर अभिषेक रूहीन के पति हैं। वैसे तो दोनों अलग हो गए पर रूहीन अभिषेक को डिवोर्स नहीं दे रही है। और ये जो जैसिका है सर, उसका कुछ चल रहा है अभिषेक के साथ, कोई अफेयर वफेयर। मतलब रूहीन की मौत के बाद अभिषेक और जैसिका दोनों को फायदा होने वाला है। सिर्फ यही नहीं है सर, रूहीन के मौत के बाद इंश्योरेंस के लाखों रुपए मिलेंगे अभिषेक को। और सर, हमें जो रिधिमा के सैंडल का बकल मिला है लाश के पास, शायद रिधिमा का भी हाथ हो सकता है इन दोनों खूनों में। इनमें से ही कोई है जो
किमी की आत्मा का डर फैला के रूहीन की जान के पीछे पड़ा है और इस कॉन्टेस्ट को बंद कराना चाहता है। मैं मानती हूँ रूहीन कि तुम्हें डर नहीं लगता, पर मुझे लगता है ये सब किमी की आत्मा कर रही है या कोई और। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं ये कॉन्टेस्ट छोड़ के जा रही हूँ। कैसे जा सकते हो? ये मत भूलो कि तुम सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है। तुम्हें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के नहीं जा सकता। इतने सारे पैसे लगाए हैं मैंने, आई विल बी रूइंड, सड़क पे आ जाऊंगा मैं। आप सड़क पे आने की बात कर रहे हैं? कल हमारी लाशें मिलेगी यहाँ पे। मैं यहाँ रहकर सुसाइड नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। शट अप प्लीज। देखिए, आप सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ सुपर मॉडल बनने के लिए आए हैं और एक छोटी सी प्रॉब्लम से डर के भाग रहे हैं। प्लीज, हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। देखिए, मैंने प्रॉमिस किया था, हम सब ने प्रॉमिस किया था कि हम आपका करियर बना देंगे, लेकिन किसी एक ने भी हमें धोखा दिया ना तो मैं उसका करियर बर्बाद कर सकती हूँ। यू गेट इट? रिलैक्स, हाँ, जस्ट रिलैक्स गर्ल्स। ये सब छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ और हॉल में जाके प्रैक्टिस करो। देखो, कल हम लोग छोटे बच्चों के लिए फैशन शो कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग छोटे बच्चों पर ध्यान दें और अपनी सक्सेस पे ध्यान दें। ऑलराइट, इज दैट ओके? अनुरधिमा, प्लीज किसी को भड़काओ नहीं, जाके प्रैक्टिस करो प्लीज। रूहीन, तुम किसी काम के लायक नहीं। इतना छोटा सा कॉन्टेस्ट संभाल नहीं सकती तुम। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि इतना बड़ा काम तुम्हें सौंप दिया। अभिषेक, ये भी कोई वक्त है झगड़ा करने का? रूहीन की जान खुद खतरे में है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका बुरा वक्त चल रहा है। दिया की लाश में इसकी फोटो देखी थी तुमने, उसका अगला निशाना यही है। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये जिए या मरे मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये कॉन्टेस्ट चाहिए। वाह अभिषेक जी वाह, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं आप। अपनी वाइफ की मौत का इंतजार कर रहे हैं? नहीं मैम, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली गुस्से में था इसलिए मुंह से निकल गया। वैसे रोज को इन कॉन्टेस्ट में इतना खर्चा हो गया, अब तो सीआईडी की टीम भी आ गई है इस कॉन्टेस्ट की पब्लिसिटी के लिए। आपकी पब्लिसिटी के अलावा भी सीआईडी को बहुत से काम है मिस्टर अभिषेक। दो कंटेस्टेंट्स का खून हो चुका है। दिया और मार्शिता के अलावा कौन रहता है उनके साथ में? कौन है उनका रूम पार्टनर? रिद्धिमा। रिद्धिमा? चलो ध्यान से देखना देव्याना। तीन लड़कियां रहती थी इस कमरे में, दो का खून हो गया और तीसरी पे हमें शक है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं सर, ठीक है। पर सर, आप आपको लगता है ये किमी की आत्मा वाली बात सच है? आई मीन, दो खून हो चुके हैं। देव्याना, सीआईडी में हो तुम, आंखें और दिमाग दोनों खुले रख के काम करो, समझी? चलो। जैसे काका लोग, जैसिका ने तीनों लड़कियों की कुंडली बनाई है। ड्रग्स लेती थी लड़कियां, ये क्या निशान है? ओ, फिंगरप्रिंट्स। सर। हाँ देवे। सर ये देखिए, उंगलियों के निशान। राउंड फिंगरप्रिंट है। मिट्टी तो नहीं हो सकती, कोई कलर या पेंट। सर चॉकलेट। हाँ सर, याद है वो दिया के फेस के ऊपर चॉकलेट पेस्ट्री लगी हुई थी? या यू आर राइट। एक काम करो, ये फिंगरप्रिंट्स उठाओ, कोई ना कोई सीक्रेट जरूर खोलेगा ये।
ये डार्क चॉकलेट खाने के बहुत फायदे हैं, मालूम है ना? दिल की बीमारी हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई स्किन डिजीज हो, सब में डार्क चॉकलेट बहुत काम आती है। अच्छा? और इस चॉकलेट ने ये भी बता दिया कि दिया के खून में किसका हाथ है। ये फिंगरप्रिंट्स, ये जी, ये उंगली का निशान माशिता का ही है। और वो पेस्ट्री मिली थी हमें दिया के मुंह में से, हमने उसका भी टेस्ट कर लिया है। तो पता चल गया आपको किस किस चीज से बनी है वो? पता चल गया, जो जो चीजें उस पेस्ट्री को बनाने में काम में आई थी वो सारी चीजें हमें उस छोटे से चॉकलेट के फिंगरप्रिंट में से मिली है। मतलब जब दिया का खून हुआ तब माशिता वहीं पे थी, अब ये बात पक्की है। सिर्फ थी नहीं बल्कि माशिता ने ही दिया के मुंह में पेस्ट्री डाली है। मतलब ये बात तो साफ हो गई कि दिया के खून में माशिता का हाथ है। खून करने के बाद माशिता अपने कमरे में गई, किसी ने उसके सिर पे मारा, वो बेहोश हो गई और फिर इंजेक्शन से ड्रग्स देके उसे मार दिया। मुझे इस रिधिमा पे शक है, वो कुछ ठीक से जवाब भी नहीं दे रही है। और ये दो लड़की जो मरी है, ये दोनों रिधिमा के साथ रहती थी एक ही कमरे में। सब पूल के पास वो सैंडल का क्लिप भी तो मिला था। हाँ, और वो भी रिधिमा का ही है। एक काम करो, जिस जिस पर शक है सबको बुलवा लो, ब्रेन मैपिंग करवा लो। ब्रेन मैपिंग? हाँ, ब्रेन मैपिंग। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, साफ पता चल जाएगा। हेलो, क्या जिंदा है सर? हॉस्पिटल फोन किया किसी ने? सर एम्बुलेंस बस पहुंचने वाली है। ओके, क्या बात है यहाँ पे? हैं? हम लोग तो यहाँ पर चैरिटी फैशन शो कर रहे थे, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था और अचानक रूहीन चीखी और गिर गई। समझ में नहीं आ रहा शो का क्या होगा। सर? क्या? सर जल्दी यहाँ पर आइए। सर ये गर्दन पर निशान देखिए, किसी ने जहर वाला पिन मारा है। पहले से पता था रूहीन की जान को खतरा है, फिर भी आपने यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखी? इतने लोगों के बीच में जहरीली पिन मार दी? किसी ने रोहिन पर अटैक होते हुए देखा था? सर ऑडियंस भरी हुई थी, सबके सामने अटैक कैसे हो सकता है, मैं भी उसी के पास था। पिन मारने के लिए पास में ही होना पड़ता है। सबने कहा लेकिन मैंने नहीं माना। कहीं सचमुच किमी का भूत? क्या बकवास कर रहे हैं आप, भूत वगैरह की बातें कर रहे हैं? कोई जानबूझ के इस कॉन्टेस्ट के और रोहिन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। एक काम कीजिए, आप कल सुबह फॉरेंसिक लैब में आइए और आप भी एक टेस्ट करना है, और जेसिका को भी लेके आइए। जेसिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? अरे लाइट कैसे चली? वो देखो किमी। दया, ये सब किमी की आत्मा ही है, यही वो सब कुछ कर रही है। कोई नहीं बचेगा, रूहीन को भी इसी ने मारा है। हाथ से निकल गई, ये तो होना ही था। किमी की आत्मा दिखाने के लिए ही लाइट गई थी, सब ड्रामा है। बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूही, बस अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये कैसी प्रैक्टिस है एस्ट्रोलॉजी की? मोमबत्तियाँ जल रही है बस। सुना आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, एक दो टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। कैसा टेस्ट? सच बोलने का टेस्ट, फॉरेंसिक लैब में। आपकी दोस्त रूहीन पर अभी अभी अटैक हुआ है, जान से मारने की कोशिश की है किसी ने। तो ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये आप रूहीन की पूजा कर रही हैं? वो अब ऐसे ही। रूहीन के पति अभिषेक की और आपकी अच्छी दोस्ती है ना? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं?
देखिए मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। कल आपको फॉरेंसिक लैब आना पड़ेगा, रूहीन के पति आपके अभिषेक जी को भी बुलाया है। कल? डॉक्टर सालुंखे, इस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाएगा ना कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। अरे यार ऐसे बात कर रहे हो जैसे पहली बार हो रहा है। नहीं, फिर भी का क्या मतलब है? देखो जैसे ही कोई आदमी झूठ बोलने की कोशिश करता है उसके दिमाग में एक खलबली सी मच जाती है, एक आग सी लग जाती है। और वो आग हमें दिखाई देती है। बिल्कुल दिखाई देती है, इसी को तो कहते हैं दिमाग की उंगलियों के निशान, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। मतलब इनमें से किसी को दिया या माशिता के खून के बारे में कुछ मालूम है तो वो सामने आ जाएगा एकदम। डॉक्टर सालुंखे रेडी। बुलाइए। अभिषेक प्लीज आइए। बैठिए। अब हम इनसे एक एक सवाल करेंगे या फिर टीवी पे इन्हें कुछ चीजें दिखाएंगे और हम कंप्यूटर पे बैठ के देखेंगे कि इनका दिमाग क्या कर रहा है। रूहीन का फोटो देख करके इसके दिमाग में आग लगी, बाकी तो कुछ नहीं। इसे जाने दो, नेक्स्ट बुला। जाने दो इसे, नेक्स्ट बुला। यही है, इसे पकड़ो। रिद्धिमा यहाँ आओ, देखो अपना रिजल्ट। अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, सब कुछ सच सच बता दो। मैं झूठ बोल रही थी सर, माशिता की मौत के कुछ देर पहले मैं मिली थी उससे। माशिता की कोई और बात याद है? खून से एक दिन पहले अचानक माशिता और दिया की दोस्ती हो गई। पहले तो वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, चलते थे एक दूसरे से। ये कैसे हो गया अचानक? पता नहीं, लेकिन माशिता सबसे ये कहने लगी थी कि वही कॉन्टेस्ट जीतेगी, ब्यूटी क्वीन वही बनेगी। तो जिस दिन दोनों की दोस्ती हुई उसी रात दोनों का खून हो गया? हाँ, मगर बाथरूम में ये कहने लगी कि मुझे कोई जीता बीता नहीं है, मैं सबको छोड़ के चली जाऊंगी। और उसके बाद उसका भी खून हो गया। किसने मारा होगा? ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है जो लड़कियों से कह दे कि मैं तुम्हें जिता सकता हूँ और जिसके पास जितवाने की पावर्स हो।
आप चाहे कुछ भी कहते रहे लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकते। मुझे प्लीज यहाँ से जाने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था। ये लो पानी, तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। डॉक्टर ने कहा कि कॉलरा हो सकता है। सर ये कॉलरा नहीं है, ये सारे सिम्टम्स तो बहानेबाजी के सिम्टम्स ही है। जब भी कोई क्रिमिनल फंसती है तो ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मुझे जैसिका से अकेले में मिलना होगा। ये बीमार नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। नहीं अभिषेक, नहीं, प्लीज मेरा विश्वास करो ना। तो मैंने ये खून किए और ना ही इसमें मेरा कोई हाथ है। और वो किसी का भूत? जैसिका क्या ये सब क्यों कर रहे हो तुम? आत्मा का ड्रामा। अरे मैं क्यों करूंगी ये, मैं तो खुद ही इतनी परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि वो आत्मा मेरे पीछे पड़ गई, मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। देखो देखो जैसिका, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम रोहिन से नफरत करती हो। हाँ करती हूँ मैं नफरत उससे, वो तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा बन जाऊंगी। देखो जैसिका, जैसिका मेरी बात सुनो, तुम्हें रोहिन से बदला लेना है ना। एक बार कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए तुम्हें जो करना है तुम वो करना, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे बर्बाद मत करो। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। मुझे रोहिन को मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा वो खुद ब खुद मर जाएगी। जैसिका, जैसिका, जैसे आ! 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 कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? जी। क्या हुआ? सब मुझ पर किसी ने अटैक किया। याना तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन दी किसने? देखो देखो सर, जैसिका की हालत देखकर मुझे लगा कि कोई बात है सर, वो ही बात जानने के लिए मैं यहाँ आई। भाग गया वो, पर था कौन वो आदमी? पता नहीं सर, मुंह पर नकाब पहना हुआ था मगर कुछ गिरा था उसके हाथ से। गिरा था? ढूंढो जरा। ये था क्या? ये बैंगल तो जैसिका का है। जैसिका का? हाँ मैंने उसके हाथ में देखा है। सर ये कंगन है तो जैसिका का मगर गिरा उस अटैक करने वाले के हाथ से। ये बैंगल अगर उस अटैकर के हाथ से गिरा है तो वो जैसिका ही होगी ना? वो अटैकर कोई आदमी नहीं, औरत थी जैसिका। नहीं सर, जैसिका के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं और जिसने मुझ पर अटैक किया था उसके हाथ छोटे छोटे थे। तुमने जैसिका के हाथ देखे? जी सर, जैसिका के हाथ देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे जहर दिया गया। जी सर, और मैं उसे यही बताने आई थी कि वो बार बार इसीलिए बीमार पड़ रही है। अब इस अटैकर को ढूंढेंगे ना? सर उसने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। तो सर उसके फिंगरप्रिंट्स मेरे हाथ पर होंगे, हमें जल्दी से फोरेंसिक लैब जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो एकदम हाई स्पीड पे चलने लगा है देवयाना। तुम्हारे हाथ में वो निशान हो सकते हैं जो खूनी के चेहरे पर से पर्दा हटा देंगे। देवयाना के स्किन से फिंगरप्रिंट्स? जी। अब तो हद हो गई डॉक्टर सालू के, हमें एक केस सॉल्व करना है और आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके रिसर्च कर रहे हैं। दया, एक इन्वेस्टिगेटर का दिमाग धोखा दे सकता है लेकिन फॉरेंसिक टेस्ट के रिजल्ट्स कभी गलत नहीं हो सकते। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से फायदा हुआ है ना, इससे भी होगा। डॉक्टर तारे का K40 इस पे ला।
ये देखिए। इस कॉन्टेस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स तो हम पहले ले चुके हैं, मैच करके देखते हैं कौन है ये किमी का भूत। Impossible. ये नहीं हो सकता। लड़की को मिलेगा वो क्राउन, मिस रोज क्वीन 2007। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज। ये शो, ये कॉन्टेस्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो है एक्स मिस रोज क्वीन रुहीन। और इस शो की कामयाबी के लिए मिस रुहीन मिस्टर अभिषेक को थैंक्स कहना चाहती है। मिस्टर अभिषेक प्लीज स्टेज पे आइए। जहरीली पिन के खेल हम लोग देख चुके हैं रुहीन, ये बुके हमें दे दो प्लीज। सॉरी, तुमने खेल तो बहुत अच्छा खेला था लेकिन अब शो खत्म। ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे शो के बीच में? शो के बीच में नहीं, आपकी जिंदगी और मौत के बीच में। आपकी इस रोज क्वीन के कांटे भी जहरीले हैं, ये देखिए। आपकी वाइफ आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे रही थी, आप ऊपर जाने वाले थे। जेसिका, ओह माय गॉड, दिव्याना, जेसिका को हॉस्पिटल लेके जाओ। जेसिका हॉस्पिटल? तुम तो बच गए लेकिन जेसिका के बेस्ट फ्रेंड ने उसे जहर दे ही दिया। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा आपको रोहिन? रोहिन, जेसिका कैसी है? जिंदा है? जेसिका हॉस्पिटल में है, ठीक हो जाएगी। अब उसे कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसकी बॉडी में इतना जहर मिल चुका है कि अब वो नहीं बचेगी। जो लोग अपने लोगों को धोखा देते हैं ना, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, है ना अभिषेक? मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, I'm sorry, रोहिन। तुमने ऐसा किया क्यों? अभिषेक बताओ ना, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जेसिका के साथ रहना चाहता था लेकिन इस कॉन्टेस्ट के लिए मुझे रोहिन की जरूरत थी। मैंने जेसिका के साथ प्लान बनाया कि कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद हम इसे रास्ते से हटा देंगे, इंश्योरेंस के लाखों रुपए मिल जाएंगे और जेसिका से शादी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने इन दोनों की बातें सुन ली थी, अगर नहीं सुनती तो अच्छा होता, चुपचाप मर जाती। पर अपना बदला लेने के लिए तुमने दो मासूम लड़कियों की जान भी ले ली। वो दोनों तो वैसे ही ड्रग से बर्बाद हो चुकी थी, ऐसे नहीं मरती तो वैसे मर जाती। जेसिका को जहर कैसे दिया? उसके खाने में और उसकी दवाइयों में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दी गई। आज बुलाया था मैंने। धोखे का बदला लेने का ये कोई तरीका नहीं है रोहिन। दो लोगों को बर्बाद करने के लिए तुमने दो लोगों का खून कर दिया, शायद फांसी की सजा होगी तुम्हें। Ha ha ha!
अच्छा।